हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गूगल क्रोम की किसी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब गूगल क्रोम ऐप को खोजना है। तो जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इस ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर मैनेज स्पेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा। देखिए हमने कर दिया है, इतना आपको कर लेना है। फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ़ करके स्विच ऑन कर लेना है। जैसे ही स्विच ऑन कर लेंगे फिर आपको क्रोम को ओपन करना है, इस तरह ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब देखिए अगर आप अपने जीमेल को लॉगिन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू एज पर क्लिक करना है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है यूज विदाउट एन अकाउंट, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम लॉगिन करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पर एस आई एम इन पर क्लिक कर देना है और फिर नीचे आकर यहाँ से गॉट इट कर लेना है। और इस तरह देखिए ओपन हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम थी सब सही हो चुकी है, इस तरह आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।